हेलो एवरीवन हेलो 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 एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू जल्दी से बता दो फटाफट यस एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू हेलो एवरीवन यस लविशा मंतशा माइकल तनुष्का नवनी चौहान तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू जस्ट फटाफट फटाफट अप कर दो सबको अगर दिख रहा हूँ मैं तो जल्दी यस हाय आयजा खान हाय सुखनीत कौर चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं भाई सब लोग मस्त एकदम हेलो कैसे हैं भाई सब लोग मस्त मज़ा में बहुत बढ़िया तो लास्ट क्लास अपन मिले थे यहाँ पर मैं बताया था आपको अपने बारे में जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एलेवेंथ केमिस्ट्री साढ़े नौ बजे से हम लोग क्या करते हैं इलेवेंथ केमिस्ट्री करेंगे डिटेल में है ना बताया था जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन से सर हैं तो उनको बता दूं कि मैं मैं उज्जवल पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीट मेड इजी पर और हम लोग यहां पर साढ़े नौ बजे क्या करने वाले हैं साढ़े नौ बजे क्या करने वाले हैं हम लोग जल्दी बता दो फटाफट क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री इलेवेंथ की केमिस्ट्री डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इलेवेंथ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं यस और नो जो लोग अभी टेंथ में है इलेवेंथ मूव कर रहे हैं मूव करेंगे उनके लिए और जो नीट देने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उनके लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं बिल्कुल फाउंडेशन एकदम बेसिक से लेकर के मैक्सिमम लेवल पर लेवल तक जहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यस और नो तो जल्दी से एक बार इज द जोश गाइस जल्दी फटाफट मेरे को बताओ आर यू गाइस रेडी मस्त और आज हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं पीरियोडिक टेबल से शुरू करने वाले हैं यस yes. हम लोग क्या पीरियॉडिक टेबल से शुरू करने वाले सबके लिए है ये वीडियोस क्योंकि ये पीरियॉडिक टेबल तो बेटा चाहे आप इस बार नीट दे रहे हो चाहे आप 21 में नीट आ, 21 तो है बाईस में नीट दे रहे हो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आनंद हाय उज्वल सर हेलो 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 आनंद यस तो आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या पीरियॉडिक टेबल से इनऑर्गेनिक से शुरू करने वाले हैं मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था जो लोग नए जुड़े हैं वो लास्ट सेशन जा करके देख सकते हैं और हम लोग करने क्या वाले हैं आज फनी निमोनिक्स टू लर्न फुल पीरियोडिक टेबल आज मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा और ऐसे कराऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं लिखा है ना फिर कभी नहीं भूलोगे तो सब तैयार है बिल्कुल मस्त एकदम झकास तरीके से पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल यस yes, जिसका पहला लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं और इसमें अपन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग क्या करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को लर्न करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं पीरियडिक टेबल को लर्न करने वाले हैं यस yes? तो तैयार है बिल्कुल सब लोग ओके okay. तो आइए शुरू करते हैं फिर तो सबसे पहले तो ये बता दूं आप लोग कि जिन्होंने भी अभी तक वोट नहीं करा है जिन्होंने भी अभी तक वोट नहीं करा है उन सब के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप वोट करो 18 अप्रैल अब बचा हुआ इलेवंथ अप्रैल बीत गया अब आपके पास एक ही मौका है बहुत सारे बच्चे वोट कर रहे हैं और इसमें आप बहुत कुछ जीत सकते हो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपका कुछ नहीं जा रहा इट्स फ्री ऑनलाइन टेस्ट आपका कुछ नहीं जा रहा है लेकिन आपको यहाँ पर जीतने के लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ बिलीव मी बहुत कुछ है आपको जीतने के लिए जैसा कि आप देखो क्या है पहले मैं वो बता दूं अब आपके पास सिर्फ एक एटीनथ अप्रैल का चांस बचा हुआ है आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डेप्थ एनालिसिस ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा स्कॉलरशिप पूल है फाइव करोड़ का डेली चैलेंजेस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस वॉट रुपीज़ वन करोड़ और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट में भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को बड़े मज मज़े, बड़ा मज़ेदार लगता है वो ये लगता है कि हम एक दिन के लिए वेदांतु का सीईओ बनने का हमें मौका मिल सकता है और अगर आप बनते हैं तो आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और बिलीव मी इस उम्र में सीओ बन करके वो फील लेना बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होगा और आप जा नासा भी जा सकते हैं यस सर नो तो ये आपको जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइजेस है आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सॉरी बोर्ड की आदत है नहीं कैसे करना है सर इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए कैसा कैसे करना है इसके बारे में बता दीजिए तो आपको रजिस्टर करना है और आपको वोटर आईडी जनरेट जेनरेट हो जाएगा कैसे रजिस्टर करना है वो भी मैं आपको बता दूं देखो तीन स्लॉट्स तो खत्म हो चुके हैं अब आपके पास एक ही मौका आखिरी मौका छोड़ना बिल्कुल नहीं है अट्ठारह अप्रैल को आप ये टेस्ट दे सकते हो क्या करना है कैसे वोट करना है सर वोट करने के लिए आप डाउनलोड करो वेदांतों का ऐप या फिर आप विजिट करो वी डी एन टी डॉट इन स्लैश वी डी एन टी वी नीट यस आप इसको डाउनलोड करो या फिर आप साइट विजिट करो आप फिर आपकी आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगी और आप वोट दे सकते हो अगर आप इलेवेंथ में हो तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एग्जाम पैटर्न के बारे में बता यू विल हैव 90 क्वेश्चंस सेम मार्किंग स्कीम रखा गया है जैसे प्लस फोर सही करने पे चार नंबर और अगर आप गलत करते हो तो एक नंबर चला जाएगा और नाइनटी मिनट है टाइम ड्यूरेशन अगर आप ट्वेल्थ में हैं इफ यू आर इन ट्वेल्थ तो आप देखो पी वही है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अब एक हो गया है मार्किंग स्कीम अभी भी सेम है प्लस फोर फॉर करेक्ट आंसर एंड माइनस वन इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 180 मिनट टाइम ड्यूरेशन इज 180 मिनट Yes और नो no? तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आज तो टॉपिक जो है वो तो जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाओ क्योंकि इससे बहुत का फायदा होने वाला है पूरी पीरियोडिक टेबल जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी हैं उनके भी निमोनिक्स मैं आपको यहाँ पर सेशन में कराने वाला हूँ आज का जो स्लाइड तैयार किया गया है वो कार्तिका मैम ने तैयार किया है थैंक यू सो मच मैम तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के बारे में सेशन जो आज का सेशन है वो क्या है सुपर निमोनिक्स टू लर्न पीरियोडिक टेबल अब हम लोग पीरियोडिक देखो एक चीज मेरे सेशन में एक आपको हर दिन एक मोटिवेशनल लाइन से वन लाइनर कह लीजिए या फ्रेज कह लीजिए उससे शुरू करूंगा हर सेशन आपका इससे शुरू करूंगा क्योंकि सेशन की शुरुआत अगर धमाकेदार हो जाए थोड़ा मोटिवेट होकर के हो जाए तो मजा आ जाएगा तो लास्ट क्लास भी कुछ बताया था आज भी बता रहा हूं डोंट स्टॉप वेन यू आर टायर्ड स्टॉप वेन यू आर डन देखो कितनी कितनी बड़ी बात है डोंट स्टॉप वेन यू आर टायर्ड लिखा है ना स्टॉप वेन यू आर डन जब आपको लगे कि अब मैं इतना ज्यादा तैयार हो चुका हूं या जो आप पाना चाहते हैं वो आपको अगर मिल गया है तब रुकना है नहीं तो चलते रहना है बोलो यस और नो नहीं तो आपको चलते रहना है मेहनत करते रहना है मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आपको मेहनत करते रहना हाय आनंद बिल्कुल यस तो डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड स्टॉप व्हेन यू आर डन तो जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री करेंगे ना एडमिशन के लिए जब जाएंगे जब बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए एडमिशन के लिए जाएंगे उस दिन हम सोचेंगे कि चलो हमने अभी तक फिलहाल का ये गोल सेट किया है और वो गोल हमें प्राप्त हो गया है तो अभी रुकें क्योंकि लाइफ में फिर आगे और गोल सेट करोगे कुछ और बनना चाहोगे कुछ और मेहनत करना चाहोगे फिर एक गोल सेट होगा लेकिन शॉर्ट टाइम शॉर्ट टर्म जो गोल है हमारा वो क्या है मेडिकल कॉलेज में एंट्री और करना क्या है उसके लिए मेहनत करवाएगा कौन मैं यस और नो तो तैयार है बिल्कुल सब लोग यस yes. तो एकदम एक बार थोड़ा सा जोश दिखा दो मेरे को ताकि मेरे अंदर भी वो फीलिंग आ जाए कि बस आज से तो फिर अपन फोड़ देंगे यहां पर आप भी मेहनत करोगे मैं भी मेहनत करूंगा और फिर यहां छा जाएंगे यस और नो वेरी yes, गुड तो आज अपन करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स तो सबसे पहले देखो पीरियोडिक टेबल को सब लोग जानते हो गे. सब लोग जानते होंगे। अच्छा मैंने लास्ट क्लास में आपसे जो लोग आए थे उनसे मैंने एक बात पूछा था क्या सब लोगों ने अपना ड्रीम कॉलेज चुन लिया है क्या सब लोगों ने अपना ड्रीम कॉलेज चुन लिया है से यस और नो इफ यू हैव चोजन योर ड्रीम कॉलेज अपने कमरे में लगा दिया है तो बताओ हा कि ना जल्दी से मुझे थम्सअप चाहिए अगर आपने ड्रीम कॉलेज चुन लिया है तो यस वेरी गुड बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल कपिल सेन की कार्डियोलॉजिस्ट बनना है बिल्कुल उसके लिए मेहनत करो आप अपना जो भी बेस्ट कॉलेज जो आपको लगता है कि भाई सपना है वहां जाने का वो अगर आपने चुन लिया है यस वेरी गुड बहुत बढ़िया मेरे को देख के बहुत मजा आया और ये एनर्जी अगर रहेगी तो गारंटी मेरी भी है कि ये एनर्जी मेरी तरफ से भी आपको दुगुना मिलने वाली है यस तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन मजेदार सेशन ठीक है तो आइए सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल तो सब लोग जानते होंगे है कि नहीं सब लोगों को पता है कि ये पीरियोडिक टेबल है अब जरा मेरी बात को सुनिएगा पीरियॉडिक टेबल हम लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा टाइन टेंथ में भी पढ़ा पिरोडिक टेबल के बारे में एक बेहतरीन मतलब जो बेसिक आइडिया है वो आपको पता है सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक्स बताता हूं कि ब्लॉक्स देखो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं सबसे पहले ये बताओ ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये जो पूरा आपको दिख रहा है बेटा ये वाला ये कौन सा है बेटा इसको मैं क्या कहूंगा इसको मैं कहूंगा, मैं कहूंगा एस ब्लॉक क्या कहूंगा बेटा एस ब्लॉक कहूंगा बोलो कहूंगा नहीं कहूंगा यस और नो जल्दी चलो अब कॉलेज का डिस्कशन अब नहीं अब हमने पढ़ाई शुरू कर दी है कॉलेज का डिस्कशन फिर करेंगे मैं आपसे एक सेशन में पूछूंगा किसी दिन आकर के कि कौन कौन सा कॉलेज आपने चुना है अब हम लोग वापस पढ़ाई की ओर आते हैं और ये जो आपका पार्ट है पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये आपका क्या कहलाता है बेटा पी ब्लॉक सॉरी डी ब्लॉक कहलाता है क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है डी ब्लॉक क्या डी ब्लॉक यस और नो ये जो पूरा पार्ट है इधर राइट साइड वाला ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है पी ब्लॉक और जिसको पीरियोडिक टेबल से नीचे फेंक दिया गया है जिसको पीरियोडिक टेबल से नीचे इधर ऐसे फेंक दिया गया है ये आपका क्या कहलाता है बेटा ये कहलाता है एफ ब्लॉक इसे ऐसा लगता हो यार हमें बाहर निकाल दिया है पर ये आपका एस पी डी और एफ ब्लॉक अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो आप देखें यहां पे लिखा है वन टू जो है वो एस ब्लॉक में है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन जो है वो आपका किस में है पी ब्लॉक में है थ्री से लेके ट्वेल्व तक डी ब्लॉक में है और थर्ड में ही ये नीचे आपका पूरा एफ ब्लॉक में है थर्ड में ये पूरा नीचे किस में है बेटा एफ ब्लॉक में यहां तक बात समझ आती है यस yes, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा देखो एस ब्लॉक आपके सामने है मैंने अभी आपको बताया था कि एस ब्लॉक जरा देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम और फ्रांशियम इधर आ जाओ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम और रेडियम कैसे याद करेंगे इस ट्रिक को इसके बारे में जानते हैं आज सिर्फ ट्रिक के बारे में आज सिर्फ किसके बारे में ट्रिक के बारे में तो मेरा आपसे भी सवाल होगा कि आप लोग इसको अलग अलग देखो एस ब्लॉक पी ब्लॉक सबको पता होता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक सबको पता है जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं ना एस ब्लॉक क्या होता है वो तो बेटा अब सेशन शुरू हो गया है तो अब हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा एस ब्लॉक क्या होता है आज अपन डिस्कस कर रहे हैं निमोनिक्स तो जल्दी जैसे क्या कर सकते हैं हाँ हेलिना की रब से फरियाद बहुत बढ़िया आपके अपने अपने निमोनिक्स होंगे हेलिना की रब से फरियाद दूसरा क्या होगा और बता सकते हैं हेलिना की रूबी सर्कस से फरार हेलीना ना की रूबी सर्कस से फरार बहुत सारे होंगे मैं आपको एक एक तो यहां दिखा देता हूं देखो जरा नेक्स्ट उसमें आ जाओ क्या है देखो हे ली ना की रब से फरियाद देखो जल्दी देखो हे ली ना की रब से फरियाद मैंने दूसरा क्या बताया हे ली ना की रूबी सर के कहा सर्कस से फरार हेलीना की रूबी सर्कस जो आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे बेटा वो आप क्या कर सकते हो वो याद कर सकते हो है ना हेलीना की रूबी सर्कस से फरार हेलीना की, हे की रब से फरियाद आ जाओ दूसरा देखते हैं सेकंड बताओ ये सबको पता होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बोलो यस नो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी देखो जल्दी से बेटा मांगे कार देख रहे यहां पे बेटा ये बाप बेटा कार स्कूटर मस्त लग रहा है देखने में तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आप इसमें एक और कर सकते हो आप इसमें एक और कर सकते हो बेटा ऺ्या? क्या देखो बेटा मांगे देखो कोई कार स्कूटर मांग सकता है कोई आपको क्या कर सकते एफ ब्लॉक के भी बोलूंगा चैतन्य थोड़ा सा इंतजार करो सारा कवर करेंगे एफ ब्लॉक भी कराऊंगा और नए जो डिस्कवर्ड है वो भी कराऊंगा अरे जरा सुनो क्या हम यहाँ पर वो भी कह सकते हैं क्या हम यहाँ पर वो भी कह सकते कुछ और बताओ सर हमें कार स्कूटर नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बेटा मांगे कन्या सुंदर वो भी याद कर सकते हैं बेटा देखो कार स्कूटर की जगह आप कन्या सुंदर भी मांग सकते हैं तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी आपके ऊपर है आप कार स्कूटर मांगना चाहते हैं पापा से आपकी उम्र अब शादी की हो गई है तो आप सुंदर कन्या भी मांग सकते हैं पापा से आपके ऊपर है, है कि नहीं तो दो समझ आया पहला हमने क्या पढ़ा बेटा फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या पढ़ा हाँ इजी है ना अभी बहुत मजा आएगा फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या पढ़ा फर्स्ट ग्रुप को हमने पढ़ा हेलीना की रूबी सर्कस से फरार या फिर हेलीना की रब से फरियाद दूसरा क्या पढ़ा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यस स्वीट वेपन इज संग आई वांट ओनली कार बहुत बढ़िया बेटा आप मेहनत करो आपको कार मिलेगा यस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे आओ पी ब्लॉक को देखें ग्रुप थर्टीन ग्रुप थर्टीन ग्रुप थर्टीन जरा देखो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम कैसे याद रखेंगे सर थोड़ा बता देते तो मजा आ जाता तो देखो बैंगन आलू गाजर इन थाली दिख रहा है देखो बैंगन आलू गाजर इन थाली बैंगन आलू देखो बैंगन ये बैंगन दिख रहा है ना बैंगन जैसा आलू बैंगन जैसा क्या बैंगन ही है बैंगन आलू गाजर और ये क्या दिख रहा है आपको ये थाली सर बैंगन आलू गाजर इन थाली बैंगन आलू गाजर इन थाली ब्रिजल आलू तो बेटा कुछ भी मान सकते हो। बैंगन आलू गाजर आप इसको और भी याद कर सकते हो मैं देखो बताता भी जाता हूं हालांकि एक मैंने मस्त लिख दिया है बाकी मैं बताता देखो बाल गंगा इंडियन तिलक ऐसे भी याद कर सकते हो बाल बी एल बाल गंगा इंडियन तिलक ये भी हो सकता है एक मैंने मेन लिख दिया बाकी जो भी आपको आता है या मुझे आता है मैं आपको बताता रहता हूं ठीक बात है तो ग्रुप थर्टीन क्या हो गया बैंगन आलू गाजर इन थाली या फिर बाल गंगा इंडियन तिलक बेटा डी और एफ ब्लॉक भी आएगा चैतन्य थोड़ा सा सबर करना पड़ता है पता है ऐसा थोड़ी है बेटा सब कुछ सबसे पहले ही आ गया समय से बेटा पहले पैदा हुए हो गए फिर धीरे धीरे बड़े हुए ना या ऐसे ही पहले ही बीस साल के हो गए है ना थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है बेटा समय के साथ इंसान बढ़ता है है ना तो थोड़ा सा समय ऐसा थोड़ी अभी टेंथ में आ गए पहले के जी में रहे हो गए पहले ऐसे, ऐसे ऐसे चले हो गए तब सीधा खड़े हुए हो गए ना बेटा ठीक है चैतन्य समझ रहे हो मेरी बात को ऐसे पहले ही ऐसे ऐसे पहले इसलम पैदा होते ही ऐसे ऐसे चल रहे थे ऐसे थोड़ी पहले ऐसे बनके ऐसे ऐसे चल रहे होंगे धीरे 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 फिर सीधे हुए होंगे हाँ कि ना हाँ बाह बढ़िया बेटा तो इंतजार करना सीखो सब्र का फल मीठा होता है सब्र का फल बहुत मीठा होता है अब देखो ग्रुप फोर्टीन है कार्बन फैमिली कार्बन फैमिली को कैसे याद रखेंगे तो कार्बन फैमिली को अपन याद करेंगे कैसी गीत सुनाऊं प्रभु कैसी गीत सुनाऊ प्रभु कैसी देखो मजा आ रहा है तो लाइक तो चाहिए मेरे को भाई यही तो प्यार है ना लाइक अब इतने लोग देख रहे हो और लाइक कम है तो इसका मतलब लाइक नहीं करो तो प्यार नहीं करोगे तो फिर मजेदार चीज है और कहां से बनाने का मन करेगा थोड़ा लाइक भी आना चाहिए है कि नहीं करना है ना वही प्यार है तो जल्दी से ये नंबर बढ़ना चाहिए कि नहीं नंबर बढ़ना चाहिए लाइक वाला यस और नो से यस और नो हाँ तो बढ़ना बोलना नहीं है वो तो बढ़ जाना चाहिए तो क्या हो रहा है कैसी गीत सुनाऊ प्रभु कैसी गीत सुनाऊ प्रभु अच्छा इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एक आपने सुना ओ गाना ओबल्मा उबल्मा वो गाना सुना आपने तो क्या कर सकते हो कैसी गीत सुनाऊ प्यारे बालम कैसे याद कर सकते हो कैसी गीत सुनाऊ प्यारे बालम पीबी इस इज प्यारे बालम अगर आप इसको पीबी को प्यारे बालम से करोगे तो एग्जैक्ट वर्ड तक भी पहुंचोगे तो क्या कह सकते हैं कैसी गीत सुनाऊ प्यारे बालम कैसी गीत सुनाऊ प्यारे बालू सुना। सुना ना सुना होगा बेटा है कि नहीं, तो नहीं, तो नहीं। खूब पढ़ाई करेंगे है ना? तो ये समझ आ गया। ग्रुप फोर्टीन कार्बन फैमिली समझ आ गया कैसी गीत सुनाऊ प्रभु या फिर कैसी गीत सुनाऊ प्यारे बालम कोई पूछ रहा है कि बताओ ना कौन सी गीत सुना दो तुम्हें आज यस सर नो यस आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप फिफ्टीन ये बहुत मजेदार है ये बहुत मजेदार है ये बेस्ट है मेरा मेरा इस बेस्ट ये मजा, मजा आ जाता है इसको सुनकर के एक तो देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो नाना पाटेकर असरानी सब बीमार आप ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर नाना पापा अस्पताल सब बीमार तो ऐसे अगर आप बोलोगे तो घर में पिटाई होगी क्यों भाई क्यों बीमार ऐसे नहीं बोलना है तो क्या बोलना है घर पे कैसे याद करेंगे हम घर पे ऐसे याद करेंगे नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े नई पड़ोसन ये देखो सारे बिगड़ गए तुम लोग हो ये सब नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े नहीं पड़ोसन ऐसी नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े देख रहे सारे बिगड़ गए एकदम ऐसा अच्छा कोई नया वो गाना सुना तो मुन्ना भाई में कि आज कोई नया आया है आज मोहल्ले में कोई नया आया है वो सुना है तो नई पड़ोसन ऐसी एग्जैक्ट वर्ड आप रिलेट कर सकते हो जरा आप ध्यान से देखो नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े आया मजा बोलो मजा आया मजा आया, आया। मजा आ रहा है मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ना बहुत बढ़िया बेटा सब समझ रहा हूं मैं है अभी तक मजा नहीं आ रहा था अब मजा आने लग गया तुम्हें तो नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े बहुत बढ़िया तो अब हम लोग ये भी देख चुके अब ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सिक्सटीन जो कि ऑक्सीजन फैमिली है ग्रुप सिक्सटीन की अगर बात करूं तो इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई इसको कैसे याद कर सकते हो ये सबको सबको पता है कि ये एकदम जग जाहिर ट्रिक है इसका कैसे उससे टेपो देखो क्या है दिख रहा है देखो 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 ओ स्टाइल हाँ ओल्ड स्टाइल से जैसा कुछ मुझे देखने को भी मिल रहा है बेटा बेटा ओल्ड स्टाइल से टेपो तो ये देखो बेटा। कितना सुंदर से कितना बढ़िया कृतिका मैम ने काम कार्तिका मैम ने काम किया ना कि ये ये बनाकर के ऐसे फीलिंग आ रही है हाँ टेप रहे हैं बिल्कुल मतलब हर हर निमोनिक्स में उन्होंने कोई एक बढ़िया सा ये दे करके डाल करके इसको जीवंत बना दिया है ना ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फीलिंग आ रही है तो मजा आ रहा है देखने में ये तो उ, आप कह सकते हो ओल्ड स्टाइल से टेपो या फिर उस से टेपो उस, उस से टेपो, उस से, टेपो उस से टेपो आप कैसे कह से सकते हो उससे टेपो उससे टेपो, उस टेपो मतलब छापना होता है टेपो मतलब क्या होता है बेटा छापना होता है क्या होता है उससे टेपो मतलब छापना होता है बोलो छापना मतलब कॉपी करना होता है ऐसे हम लोग बचपन में याद है आपको बचपन में हम लोग क्या करते थे कुछ नहीं आता था कुछ नहीं आता था तो क्या करते थे ऐसे लिख रहे होते थे टीचर है सामने खड़े थे ऐसे देखते थे कोई देख तो नहीं रहा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ सा दिखा दे थोड़ा सा वही द, वही जो आप छाप रहे हो ना उसी का निमोनिक्स है उससे टेपो उसी का निमोनिक उस से क्या बेटा उससे टेपो तो ऑक्सीजन फैमिली क्लियर है अब ऑक्सीजन फैमिली क्लियर है तो अब हमारे पास क्या है ग्रुप सेवनटीन ग्रुप सेवेंटीन हाँ ग्रुप स्कूल में करते थे बिल्कुल स्कूल में करते थे स्कूल में करते थे बिल्कुल ग्रुप सेवेंटीन क्या होगा इसका क्या होगा कौन बताएगा अपना अपना बताओ जल्दी से क्या होगा जल्दी फटाफट अपना अपना बताओ क्या कह सकते हैं ग्रुप सेवनटीन में हाँ फिर कल बाहर आई आंटी वेरी गुड क्या है बेटा देखो आंटी को देखो तो फिर कल बाहर आई आंटी देखो फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटीएसटीन तो क्या हो गया फिर कल बाहर आई आंटी अभी आप सिंबल पे ही फिलहाल फोकस करो आपको नाम वगैरह सब धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएगा तो फिर कल बाहर आई आंटी फिर कल बाहर आई आंटी हाँ इसका बेटा बिल्कुल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा सुनते रहो बस ध्यान से देखते रहो आपको अगर नोट्स बनाने तो बना भी सकते हो वरना टेलीग्राम पे मिल जाएगा ध्यान से बस सुनने पे फोकस कीजिए मजा आएगा फिर कल बाहर आई आंटी फिर कल बाहर आई आंटी अब आ जाओ अब लास्ट ग्रुप पी ब्लॉक का लास्ट जो है वो है नोबल गैस नोबल गैस क्या है बेटा नोबल गैस क्या है जल्दी बताओ नोबल गैस क्या है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन है ना तो इसको कैसे याद करेंगे कैसे याद करें हे ने अर कर जे रन ऐसे याद कर सकते हो नॉर्मली मैं इसको ऐसे याद कराता आप ऐसे ही बोलो हे ने अर कर जे रन। एक बार सब लोग जल्दी जल्दी बताओ हाँ बेटा इसी टाइम क्लास चलेगा साढ़े नौ बजे ही क्लास चलेगा तो बिल्कुल समय से पहुंच जाइए एकदम बेसिक से लेकर के चलाऊंगा और पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे मैंने आपको पहले अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा नहीं है तो जा करके देखो वहां पे स्ट्रैटेजी बताया है मैंने कैसे प्रोसीड करेंगे तो हे ने अर कर जे रन कुछ लोग बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं कि हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन बिल्कुल ही आप ये भी यूज कर सकते हो हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हीना नी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन आप ऐसे भी कर सकते हो अदरवाइज आप ऐसे सिंपल हे ने अर कर जे रन। बोलो हे ने एक बार मेरे साथ रिपीट करो जल्दी से हे ने अर कर जे रन हे ने अर इसमें कुछ लिखा है हे ने अर्कर जे हाँ सब अपना अपना बता रहे बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया साफ बास तो क्या हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्लियर हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मजा आया क्या डी ब्लॉक के लिए तैयार है चैतन्य बताओ चैतन्य बहुत देर से कर रहा था ना डी ब्लॉक डी ब्लॉक हो गया बेटा अब हम सीधा खड़े हो चुके हैं अब हम डी ब्लॉक की तरफ चल रहे हैं यस और नो एस और पी ब्लॉक क्लियर जल्दी बताओ एस और पी ब्लॉक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फटाफट हाँ मोनू यादव सिंह मेरी भी सुनो सुनाओ बेटा सुनाओ तुम भी सुनाओ तुम भी सुना दो आइए डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं बोलो भाई मजा आया बहुत बहुत बढ़िया बेटा मजा ही आना चाहिए टैग लाइन भी तो अपना यही है क्या है टैग लाइन बताओ मजा आएगा तो समझ आएगा समझ आएगा तो मजा आएगा मोनू यादव कुछ कहना चाह रहा था चलिए आइए वापस आ जाते हैं डी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट बहुत तकलीफ होती है लोगों को मैं आपको बताता हूं सबसे छोटे छोटे ट्रिक्स में आपको ग्रुप वाइज याद कराऊंगा कैसे याद कराऊंगा ग्रुप वाइज याद कराऊंगा तैयार है मैंने आपसे कहा था ग्रुप नंबर तीन से लेके ग्रुप नंबर बारह तक डी ब्लॉक होता है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रुप नंबर तीन से जरा देखो देखो बेटा ध्यान से ग्रुप नंबर थ्री एवरी वन डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है देखो एस और पी ब्लॉक सबको याद होता था डी और एफ ब्लॉक में तकलीफ होता है उसके बाद भी मैं न्यूली एलिमेंट जो डिस्कवर्ड है वो उसका भी ट्रिक है मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो आज के सेशन के बाद आपको याद ना होगा इसकी गारंटी मेरी आइए ग्रुप थ्री कैसे याद करेंगे सर सेकेंड ईयर लाएंगे ए जल्दी बताओ क्या है बेटा सेकेंड ईयर देखो ध्यान से सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी जब इमेजिन करो जब आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पर फीलिंग लोगे कि बेटा आप क्या होता है जब हमारे पास खूब मेहनत कर रहे होते हैं खूब जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो हमें थोड़ा फिर उसके अभी जैसे अभी पढ़ रहे हैं अभी मेहनत कर रहे हैं अभी उतनी गर्मी नहीं लग रही होगी जब मेहनत कर ले जब हमें पता हो जाता है आई एम सक्सेसफुल हम उस मुकाम पर पहुंच गए हम कुछ भी बोलेंगे हमें मिलेगा तो उस समय हम ले आएंगे सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी ग्रुप फोर ग्रुप फोर ग्रुप फोर क्या होगा जल्दी बताओ ग्रुप फोर ग्रुप फोर ग्रुप फोर इज टी जरा हाफ टी जरा हाफ टी जरा हाफ टी जरा हाफ हम लोग कैसे लर्न कर रहे हैं बेटा ग्रुप वाइज लर्न कर रहे हैं ध्यान से देखो बिल्कुल एकदम सबको बता देना है इसके बारे में आज के लेक्चर के बारे में ताकि बहुत जगह फायदा उठा सके पूरे पीरियोडिक टेबल का तो टी जरा हाफ टी जरा हाफ टी मतलब कटिंग चाय बोलते हैं ना कटिंग चाय कुछ लोग रिलेट कर रहे जो कहते हैं ना कटिंग चाय देना एक कटिंग देना एक कटिंग देना तो कटिंग क्या है कटिंग चाय वो क्या है टी जरा हाफ तो बिल्कुल डी ब्लॉक में एकदम ध्यान से मजेदार तरीके से टी जरा हाफ तीन एलिमेंट याद हो गया अब आ जाओ नेक्स्ट डी ब्लॉक को अब ग्रुप फाइव क्या है ग्रुप फाइव देखो ग्रुप फाइव क्या है वो नवाब था क्या है बेटा वो नवाब था वो नवाब था, वो नवाब था। नवाब देखो फोटो कितना मस्त लग रहा है बेटा है ना तैयार एकदम बिल्कुल वो इनके भी अलग ही मतलब मजे होते थे नहीं दिन भर बस कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया एकदम मस्त बैठे रहते थे नहीं मेहनत भी करते थे नहीं मेहनत क्या करते थे लड़ाई वड़ाई करते थे पता नहीं क्या करते थे <laughs> वो नवाब था मेरी बात जरा ध्यान से सुनना अगर तुमने इनको इज्जत दे दी अगर तुमने या वो नवाब थे कर दिया और तो थे करोगे तो टी हो जाएगा और टी करोगे तो बेटा एलिमेंट बदल जाएगा अगर तुमने इज्जत इज्जत नहीं देना है यहाँ पर ऐसे बाहर मिले तो दे देना बेटा ऐसे यहाँ पे निमोनिक्स करते समय बिल्कुल इज्जत नहीं देना है क्यों नहीं देना है क्योंकि अगर तुमने जैसे ही इज्जत देने के लिए इसको टी कर दिया वो नवाब थे तो टीई किया तो क्या हो जाएगा बेटा वो टीई बन जाएगा टेल्यूरियम चल जाएगा और ये अलग एलिमेंट वो अलग एलिमेंट सब खराब हो जाएगा तो इज्जत इज्जत नहीं देना है यहाँ फोटो में निमोनिक्स बेटा बाहर मिले तो देना वरना पता है क्या हो सकता है, है ना तो वो नवाब था ग्रुप फाइव हो गया ग्रुप सिक्स में आते हैं ग्रुप सिक्स क्या है बेटा ग्रुप सिक्स देखो ग्रुप सिक्स करोड़ मोल वाला करोड़ मोल वाला करोड़ मोल वाला ओ भाई सपना है मेरा तो ऐसे पैसे पैसे आते रहे पैसे आते रहे पैसे आते रहे, पैसे आते रहे नहीं मेहनत करते रहो पैसे आते रहे मेहनत करते रहो पैसे आते रहे पैसे चाहते हो नहीं चाहते हो पैसे चाहते हो जीवन में पैसे चाहते हो कि नहीं पहले ये बताओ पैसे चाहते हो ये देखना देखना ये मशीन चाह रहा हो ये मशीन चाहिए ये मशीन चाहिए पैसा ही पैसा ये मशीन चाहिए तो ये बेटा मशीन चाहने के लिए क्या करना है मेहनत करनी पड़ेगी नहीं चाहिए हमारे यार तो नहीं चाहिए यार झूठ बोल पता है ऐसे जो लोग अभी कह रहे हो नहीं सर बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए इनर भी उनके क्या चल रहा होगा बहुत सर और और, और और पैसे और बताओ और बताओ कहाँ से पैसे आएंगे <laughs> तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है मेहनत करिए मेहनत करेंगे सक्सेसफुल बनेंगे तो पैसा अपने आप आएगा है ना तो क्या कहेंगे जल्दी बताइए जल्दी बताइए करोड़ मोल वाला करोड़ मोल वाला अमित चौधरी सेंग सर बहुत ज्यादा चाहिए हाँ तो बहुत ज़्यादा तो मिलेगा बेटा जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा होगा ऐसा थोड़ी होता है सर करोड़ मोल वाला ऐसा ही सर आप जैसे ना पता है झूठ बोलते रहते हो पता है मैं जब हम लोग जैसे हम लोग जैसे क्या होता है जब वन क्लास में टू क्लास में होता है तो खैर याद नहीं होता है फाइव सिक्स में होते थे तो कहते थे बेटा टेंथ कर लो जिंदगी मस्त हो जाएगी टेंथ कर लिया मैंने फिर उसके बाद कहते थे बेटा ट्वेल्थ कर लो ट्वेल्थ के बाद जिंदगी मस्त है ट्वेल्थ भी कर लिया मैंने फिर उसके बाद कहते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो या फिर डॉक्टर बन जाओ उसके बाद ज़िंदगी मस्त है फिर फिर वो भी कर लिया बेटा मैं सोच रहा हूं मस्त कब होगा वो फिर उसका कहते हैं कि बेटा शादी कर लो जिंदगी मस्त है हालांकि वो अभी नहीं हुआ है लेकिन उसके बाद जिंदगी मस्त है शादी कर लो फिर बच्चे कर लो उसके बाद जिंदगी मस्त है नौकरी कर लो उसके बाद जिंदगी मस्त है मर जाओ उसके बाद जिंदगी मस्त है पता नहीं जिंदगी मस्त कब है नहीं तो ये आपके घर में भी अब सुनना शुरू हो गया होगा आप लोगों को भी बेटा टेंथ कर लो मस्त है ट्वेल्थ कर लो मस्त है मस्त होगा कब अब वो तो जब सबका अपना अपना मस्त है है कि नहीं चलिए आइए तो ग्रुप सिक्स क्या है बेटा करोड़ मोल वाला ग्रुप सिक्स क्या है करोड़ मोल वाला अब आ जाओ नेक्स्ट ग्रुप सेवन ग्रुप, ग्रुप सेवन मस्त है ग्रुप ग्रुप मस्त 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 है हाँ। है 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 सर कभी कभी जिंदगी इसमें बेटा ये लिख रही ना अनुष्का लिख रही है कि बस नीट कर लो फिर लाइफ सेट है अभी पेरेंट्स कहते हैं ना आपको बेटा नीट कर लो लाइफ सेट है तो नीट तो कर लो लाइफ सेट है थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर धीरे धीरे और थोड़ा सेट होगा और फिर तुम्हें मजा आने लगेगा तो ये देखो ग्रुप सेवन कैसे याद रखेंगे बेटा वो गाना सुना है इसमें मन तक रे मन तक तक मतलब होता ताकना ये अरे गजब दिख रहा है कौन अरे देख रहे हो तुम अः उड़ उड़ दबंग वाले तो क्या है बेटा ये गाना है मन तक रे एक देख एक ताकना होता है बेटा आंखों से कोई कहता ना बेटा मन की निगाहों से देखो तुम्हें दिखेगा अब वो मन की निगाहों से बेटा सलमान खान ही देख सकते हैं हम तो भैया आंखों से ही देख सकते हैं तो कहते ना मन तक रे मन तक रे मन को कह रहा है ताको, देखो है ना बेटा तो मन तक रे मन तक रे याद रहेगा ये भी डी ब्लॉक क्या है मन तक रे क्या होगा मन तक रे यस वेरी गुड एम एन टी सी और आरी मन तक रे <coughs> अब देखो डी ब्लॉक के निमोनिक्स में आगे बढ़ते हैं ग्रुप एट में ग्रुप एट ये भी मस्त है बेटा ग्रुप एट में अगर चलोगे तो यहां पे तुम्हें पता है क्या मिलने वाला है फिर उठाओ सामा कुछ लिखने की जरूरत नहीं सब स्लाइड में है आपको सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं कहनो सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा देखो मेरे मैं भी मन की निगाहों से बोल रहा हूँ तो क्या होगा बेटा इसमें देखो इसमें है फिर रूठा ओसामा फिर रूठा ओसामा हालांकि बेटा ओसामा दोबारा नहीं रूठ सकता है लेकिन आप देखो एलिमेंट्स को ध्यान से देखो बेटा एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको लिखाया गया ट्रिक ताकि आप बिल्कुल ना भूले Fe से आयरन वाला हो गया रुथेनियम हो गया और ओसामा से ऑस्मियम वाला हो गया तो क्या हो गया बेटा फिर रूठा ओसामा फिर रूठा ओसामा फिर रूठा ओसा अब अपनी वाइफ से रूठा किससे रूठा वो नहीं पर ये मैडम की क्रिएटिविटी है कि वो दिखा रही है कि हाँ भैया ये वाइफ से ही रूठा है तो बेटा ओसामा रूठता था बहुत तहलका मचा देता था तो अब ओसामा अब कभी नहीं रूठेगा अब शांत हो गया है पता होगा आपको जनरल नॉलेज की भी बातें मैं बहुत बताता हूँ आपको है कि नहीं तो फिर रूठा ओसामा फिर रूठा ओसामा अब आओ ग्रुप नाइन की तरफ बढ़ते हैं ग्रुप नाइन क्या है कौन रहेगा इरेगुलर अब शार्क शूटर इस केमिस्ट्री में फूल अरे बहुत बढ़िया बेटा एकदम फूल आना ही चाहिए कौन रहेगा इरेगुलर तो बताओ यहां पे कोई नहीं रहना चाहिए इरेगुलर कोई इरेगुलर नहीं होना चाहिए सेशन में बोलो हाँ कि ना कोई इरेगुलर नहीं होगा इरेगुलर होगा तो फिर उसका नुकसान होगा फिर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छूट सकता है तो क्या होगा कौन रहेगा इेगुलर या फिर या फिर आप किसी को बुलाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कौन रहेगा इधर कौन रहेगा इधर आप किसी से पूछो कौन रहेगा इधर वो भी हो सकता है बेटा हाँ, तो बहुत बढ़िया अनुष्का सेइंग कि हम रेगुलर रहेंगे बहुत बढ़िया बेटा यही जोश होना चाहिए आप कर सकते हो बेटा कौन रहेगा इरेगुलर या फिर आप इसको याद कर सकते हो कौन रहेगा इधर क्लियर है ग्रुप नाइन भी क्लियर है सी ओ आर एच और आई आर क्या आपको ये भी क्लियर है यस और नो बहुत बढ़िया नेक्स्ट अब आ जाओ ग्रुप टेन ग्रुप टेन अब देखो ग्रुप टेन क्या है नहीं पढ़ोगे पिटोगे क्या है बेटा नहीं पढ़ोगे पिटोगे हालांकि अब तो पिटाई नहीं होती है अब पिटाई होती है अब पिटाई होती है? हमारे समय में होती थी जब आप कॉन्वेंट में पढ़ पढ़ते हैं तो क्या होता है हमें नकल पे हमें तो तब पता चला जब हम लोग तो जब आप लोग हम लोग मतलब जब मैं बच्चा था तो हमें ऐसे करते जब कोई टीचर ऐसे करे कि बेटा चलो शो मी योर हैंड तो हम ऐसे करते थे तो वो कहते थे नहीं ये तो बेटा ये नॉर्मल जिंदगी है मेंटॉज जिंदगी वो इधर पीटते थे नकल कहते ना तो इस पे इस पे केनिंग केनिंग होती थी स्टिक से ओहो हो वो दिन मत याद कराओ नहीं पढ़ोगे पिटोगे वो नॉर्मल जिंदगी ऐसे हाथ कर दो और मेंटॉज जिंदगी क्या होगी ऐसे हाथ करो और इस पर जब फीलिंग आती है ना बेटा वो फीलिंग का बस अभी मेरे अंदर से वो जाग गया ऐसे कि ओहो क्या दिन थे वो तो हालांकि वही पढ़ लिख लिया उस समय पिटाई से तो थोड़ा ठीक ठाक पहुंच गए कहीं नहीं तो पिटाई होनी भी चाहिए नहीं भी होनी चाहिए सबके अपने अपने परस्पेक्टिव उस पर अपन डिबेट नहीं करेंगे तो क्या है नहीं पढ़ोगे पिटोगे नहीं पढ़ोगे पिटोगे क्या है नहीं पढ़ोगे पिटोगे सही बात है भाई नहीं पढ़ेंगे तो पीट लेना लेकिन हम पढ़ेंगे हम नहीं पिटेंगे तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे एन आई पी डी पी टी एन आई पी डी पी टी नहीं पढ़ोगे पिटोगे नहीं पढ़ोगे पिटोगे बोलो यस और नो डॉक्टर नवनी चौहान सिंह यस सर आई हैव आल्सो गॉन थ्रू द फेज वेरी गुड बेटा वेरी गुड पिटना जरूरी भी है ग्रुप इलेवन ग्रुप इलेवन ग्रुप इलेवन ग्रुप इलेवन क्या है क्यों आगे आऊं हम कहते थे ना बचपन में जैसे कोई बुला रहा हो पीछे हम हम लोग तो बैक बेंचर रहे थे बैक बेंचर पीछे बैठते थे टीचर ने बुलाया बेटा आगे आना

क्यों आगे आऊ तो बेटा वो ना वो दन्द... फ्लाइंग चप्पल ही आता था उधर से फ्लाइंग डंडा आता था या फ्लाइंग डस्टर आता था यस सर नो तब तो खैर अब वो दिन चले गए बेटा वो वो भी दिन के अलग मजे थे नहीं <laughs> है कि नहीं सच बताओ हाँ कि ना अब तो तुम्हें तो तो कोई बुलाया आ गया तो तुम कर भी सकते क्यों आ गया इट्स इट्स आओ विश आई विल नॉट कम यस सर नो लेकिन उस समय बेटा फ्लाइंग बहुत कुछ आ जाते थे <laughs> तो तो कहें ग्रुप इलेवन क्या हो गया बेटा क्यों आगे आऊ क्यों आगे आऊ क्यों आगे आऊ क्यों आगे आऊं? यस और नो अब आगे आ जाओ ग्रुप ट्वेल्व ग्रुप ट्वेल्व ग्रुप ट्वेल्व ग्रुप ट्वेल्व क्या है बेटा जिनी कैनेडा होगी ग्रुप ट्वेल्व इज जिनी कैनेडा होगी तो बेटा ये सपने मन में लड्डू फूटने नहीं चाहिए पता लगा सर आप रियली हार्ड अरे थैंक्स थैंक्स बेटा थैंक्स तो आप भी हार्ड वर्किंग हो जाओ साथ साथ म्यूचुअल मेहनत करेंगे है ना तो जिनी के, मन में लड्डू फूटा मन में लड्डू फूटा जिनी कैनेडा होगी जिनी जिंक कैडमियम में मौके इसके बारे में और डिटेल भी पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है इसमें इसके बारे में तो यस यस मुकेश आई विल टेक रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास डोंट वरी रेगुलर वी विल मीट हियर एट नाइन थर्टी रेगुलर क्लासेस होंगी डोंट वरी अबाउट दैट हमने बात करी है कि हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे अभी इलेवन से शुरू किया है आगे करेंगे आगे तो ज़िनी कनाडा होगी ज़िनी, 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 ज़िनी कनाडा होगी ज़िनी कनाडा होगी ज़िनी कनाडा होगी तो ठीक है क्या अब चैतन्य संतुष्ट है तू अब यहां पे भी रोस्टिंग होगी याद रखना जैसे नॉर्मल क्लास में मैं करता हूं अब संतुष्ट है भाई चैतन्य तो अब एक अगर मैंने पकड़ लिया तो उसको पकड़ लूंगा फिर और पूछूंगा उससे कह रहा था ना डी ब्लॉक डी ब्लॉक अब आया मजा डी ब्लॉक में पूरा डी ब्लॉक खत्म हो गया जिनी कैनेडा होगी जिनी कैनेडा होगी यस और नो तो डी ब्लॉक समाप्त हो गया अब हम लोग चल रहे हैं बेटा एफ ब्लॉक की तरफ अब और तकलीफ वाला टॉपिक जिसमें और ज्यादा दिक्कत हो सकती है और ज्यादा जिसमें याद करने में तकलीफ हो सकती है उसके बारे में तो आर यू गाइज रेडी आर यू गाइज रेडी एफ ब्लॉक के लिए तो एफ ब्लॉक वो है ना थोड़ा अलग अलग महसूस करता है एफ ब्लॉक जरा ध्यान से बेटा ध्यान से ध्यान से वो कर रहा है ना जीनी 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 आजा आजा बेटा वो जीमी 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 सेम हो गया बेटा जीनी और जीमी अलग अलग है बेटा आइए आगे एफ ब्लॉक में चलते हैं एफ ब्लॉक को अपन ऐसे याद करेंगे देखिए लैंथनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक जो है हालांकि लैंथनम इज नॉट द पार्ट ऑफ एफ ब्लॉक हालांकि लैंथनम प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा एफ ब्लॉक के एकदम गाइस प्लीज बी वेरी रेडी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं एफ ब्लॉक जनरली हमें याद नहीं होता है मैं कोशिश करता हूं कि आपको याद हो जाए जाएनम सेल्यूटेशन तक का निमोनिक्स बता रहा हूं जो है हूँ हमारा एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है लेकिन हम इसको कैसे याद करेंगे आइए सिखाता हूं एक कहानी सुनाता हूं आप देखें सुनिए पहले फिर मैं दिखाता हूं लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने देखना लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी इधर तमाशा अब लंबा होगा लड़कियों से परेशान अब लड़कियां बोलेंगी सर हमने क्या करा है तो बेटा आप लड़के एले को आप लड़कियां भी लिख सकते हैं लड़के भी लिख सकते हैं आप लिखो लड़कों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी इधर तमाशा अब लंबा होगा देखो अब आसान हुआ देखो आप लिखना नहीं है कुछ भी कुछ भी नहीं लिखना है सब मिलेगा इसकी गारंटी मेरी मैंने कहा ना आप मेहनत करो अपन भी करेंगे दोनों मिलके मेहनत करेंगे लड़कियों से परेशान ये देखना वो बस, बस बस नहीं, 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 नहीं मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी <laughs> लड़कियों से परेशान लड़कियों से परेशान आप देखो आपको हर लाइन में आपको एलिमेंट्स मिल जाएगा जरा ध्यान से देखिए लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी इधर तमाशा अब अब को वाई से रिप्रेजेंट किया वो अब लंबा होगा तो क्या याद करेंगे <laughs> मैं छोड़वा इसको अरे नहीं छोड़ दो छोड़ मर जाएगा मर जाएगा तो फिर से एक बार सब मेरे साथ रिपीट कर लो एक बार लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने और लड़कियां जो है वो क्या बोलेंगी लड़कों से परेशान बेटा लड़के भी परेशान कर सकते हैं लड़कियां भी परेशान कर सकते दोनों को परेशान करने का बराबर का अधिकार है ऐसा थोड़ी सिर्फ लड़कियां परेशान करेंगी लड़के नहीं करेंगे बेटा लड़के भी परेशान कर सकते हैं लड़कियां भी परेशान कर सकती है आप जिससे परेशान हो आप उसको याद कर लो है ना ये जी आई एफ मस्त है बेटा मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे बस बस बेटा बस 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 <laughs> ये सब कार्तिका मैम का कमाल है तो ये देखो बेटा ये जो जी आई एफ्स वगैरह डाला है इन्होंने ये उनका कमाल है बिल्कुल <laughs> है ना निमोनिक्स तो देखो लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने एक की गर्दन तोड़ दी होगी इधर तमाशा अब लंबा होगा इधर तमाशा अब लंबा होगा तो ये कौन से पीरियड का याद हो गया बेटा सिक्स पीरियड का क्या आप सेवेंथ पीरियड का भी याद करने के लिए तैयार हैं आप सेवेंथ पीरियड का भी याद करने के लिए तैयार हैं? तो आइए सेवेंथ पीरियड का देखो यहां पे फिर से कैसे करेंगे सर कैसे करेंगे सेवेंथ पीरियड का कैसे याद करेंगे जरा देखिए एकदम ध्यान से बेटा देखो जरा ध्यान से तुम्हें पढ़ाऊ सुनना मेरी बात को ध्यान से हाँ रुस्तम पी ब्लॉक हो गया कोई बात नहीं बेटा आप रिप दोबारा जा करके वीडियो देख सकते हो अब तो यही रहेगा है कि नहीं तो आइए देखिए और दोस्तों को भी बताना ताकि सबको याद हो जाए ब्लॉक और रिसेंटली डिस्कवर्ड भी याद हो जाए तुम्हें पढ़ा सुनिएगा तुम्हें पढ़ा न्यूज पेपर पुराना कोई कहानी सुना रहा है कि आओ तुम्हें पढ़ाए न्यूज पेपर पुराना तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना क्या पढ़ाना है उसमें आम कम बिके तुम्हें पढ़ाऊ न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके क्यों कम बिके सवाल आएगा भाई क्यों कम बिके तो क्यों इसलिए कम बिके क्योंकि कैफे में उनको जिम्मेवारी दी गई थी आम बेचने की और वो क्या कर रहे हैं कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा कैफे में कैफे में दोस्तों मैं सही बिगेस्ट फैन बन गया मैं आपके पहली नजर में अरे बहुत बड़े बेटे भाव थैंक्स 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 पर मेरे से प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलने वाले refused, but, but, थांक्स थांक्स। पर मेरे से बट बहुत थैंक्स बेटा थैंक्स पर मेरे से प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलेंगे नहीं <waffle> हम लोग स्कूल में कहते थे ना तो, सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो सर आप बहुत मस्त एकदम झक्कास पढ़ाते हो सर आप नहीं एकदम आप मस्त पढ़ाते हो फिर उसके बाद सर जब प्रैक्टिकल होता था सर थोड़ा सा मैं ही वो था सर जिसने कहा था थोड़ा सा थोड़ा सा नंबर दे देते थोड़ा रोस्तों है ना है कि नहीं तूने कभी नोटिस किया नोटिस किया ये? है ना <laughs> चलो नहीं बाय द वे थैंक यू वेरी मच बेटा इट्स योर लव इट्स योर लव बस यही प्यार है जो जिंदा रखता है और क्या एक्ट क्या कहेंगे तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा ये देखना आम भी है न्यूज़पेपर भी है और देखो मडोना लारा दोनों जो बैठ के यहाँ चाय की और कॉफ़ी की चुस्की ले रही हैं इनकी वजह से सब काम खराब हुआ है इनको कहा गया था कि जाके आम बेचो ये यहाँ पे कैफे में सीसीडी में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे तो बेटा ऐसा नहीं करना है मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पढ़ना है तो ये नहीं कि पहुंच गए सी, -सी और ऐश फरमा रहे वहां पर अपना चाय की चुस्की लगा रहे ना फिर काम गड़बड़ हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि पेपर में नाम आए बढ़िया रैंक आएगा तो पेपर में नाम आएगा ना बेटा तो नाम अगर बढ़िया करना है तो पेपर में अगर नाम बढ़िया करना है तो क्या करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तो इनका काम था आम बेचना आपका नहीं है तो पता चला आप भी निकल गए आम आम ले लो, आम ले लो ना बेटा सब अपना अपना काम करेंगे है कि नहीं हमारा तो काम पढ़ना है अपन पढ़ेंगे यस तो फिर से एक बार फिर से एक बार तुम्हें पढ़ाऊ न्यूज पेपर पुराना तुम्हें पढ़ाऊ न्यूज पेपर पुराना आम कम बिके आम कम बिके क्योंकि कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा याद रहेगा बोलो यस और नो क्या आपको याद हो गया दोनों एकदम फटाफट जल्दी बताओ याद हो गया क्या याद हुआ तुम्हें पढ़ाओ एक बार मेरे साथ रिपीट भी करो और आज आपका घर जाके आज का होमवर्क क्या है मैंने कहा था ना डेली का काम डेली करोगे तो बैकलॉग नहीं होगा तो क्या कहेंगे तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफ़े में फरमाती मडोना यस नो yes no? तो आपके सामने बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी बेटा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी अब देखो मैं इन एलिमेंट्स को जो भूल चुके हैं और शायद मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे है भी है। ये इन एलिमेंट्स का मैं आपको निमोनिक्स बताने जा रहा हूं जरा देखें इन एलिमेंट्स का जो आपके सेवेंथ पीरियड में नीचे के एलिमेंट्स हैं जो न्यू कुछ न्यूली डिस्कवर्ड है कुछ पूरा ये एलिमेंट है, है ज़रा सब ध्यान से देखिए आज आपको इसके भी निमोनिक्स दे दूंगा अगर ये भी हो गया तो पीरियोडिक टेबल में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिस जो आप नहीं लिख सकते हैं ये आप आज देख लेंगे बोलो यस सर नो तो क्या आपको याद आ रहा है ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके हमने निमोनिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है क्या ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके निमोनिक्स हमने नहीं पढ़ा है रदर फोडियम से लेकर के ऑगेनिशियम तक सो निमोनिक्स तो छोड़ दो नाम भी नहीं पता है अभी तक तो रदर फोडियम से लेकर के ऑगेनिशियम तक पढ़ेंगे सब मजे में पढ़ेंगे छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ है सिलेबस में जितना पढ़ाऊंगा वो है आपको बिल्कुल ध्यान से ताकि क्वेश्चन सारे हो सके तो फिर से आरएफ से ऑगेनिशियम कैसे याद करेंगे ध्यान से सुनना बेटा रब दी सोगन रब दी सौगंध बहन हस मत दस रब दी सौगंध ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं रब दी सौगंध बहन हस मत दस हस मत दस का मतलब जो लोग पंजाब से होंगे वो समझते होंगे बाकी जो लोग नहीं है पंजाब से हस मत दस का मतलब होता है हंसो मत दसो का मतलब होता है बोलो हंसो मत बताओ तो रब दी सौगंध बहन हस मत दस रोग कहीं नहीं फैलेगा क्यों क्योंकि माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक बेटा बाकी सारे नुमानिक साहब को कोई क्लेम कर सकता है कि वो उनका है या बाकी सारे को कोई क्लेम कर सकता है कि वो नेट पर मिल जाएगा ये मेरा अपना है बेटा ये मेरा अपना है ये ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये किसी का है बोलो यस और नो तो ये क्योंकि आपको पहली बार बता रहा हूं इसके बारे में ये भी बताना जरूरी है कि अपुन ने बनाया है मेहनत की है भाई मेहनत की है तो दिखना भी चाहिए यस और नो क्या कहा रब दी सौगंध बहन हस मत दस जरा देखो अगला रब बहन। हस मत दस हस मत दस का मतलब हसो मत बताओ क्या दिक्कत है हस मत दस रोग कहीं नहीं फैलेगा, कहीं नहीं फैलेगा। क्यों क्योंकि माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक रोग कहीं नहीं फैलेगा क्योंकि माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं रब दी सौगंध बहन रब दी सौगंध बहन हाँ सर के लिए वेरी गुड बेटा मैं भी खुद जब ये स्लाइड ये वाला पढ़ता हूं तो मुझे खुद पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे करने का मन करता है कुछ तो किया है बेटा कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी है भैया निमोनिक्स में तो क्या कहा है? मैंने रब दी सौगंध बहन मत दस रोग कहीं नहीं फैलेगा माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक वेरी गुड कुछ न, कुछ डिम्पी शर्मा ने तो लिख ही दिया पूरा वेरी गुड बेटा तो क्या आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर पाए एक बार बता दो आप क्या आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अब बताओ कोई एलिमेंट छूटा कोई एलिमेंट रह गया ऐसा नहीं सब बता दिया आपने बोलो यस नो रब दी सौगंध बहन हसमत दस रोग कहीं नहीं फैलेगा माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक तो बोलो निमानिक से मजा आया कि नहीं आया पहले एक बार बता दो फटाफट एक बार मुझे बेटा एक बार वो चाहिए कि थम्स अप और ये ये करके दिखा दो कि एक बार मजा आया कि नहीं आया जल्दी फटाफट फास्ट अगर मजा आया तो हाँ नहीं मजा आया तब भी हाँ सर तो मजा तो आया है थोड़ा सा कर ही देते हैं मजा देखो मजा आया तो शो करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं हर मैं बड़ा ही सिंपल सीधा साधा इंसान हूँ बेटा अगर अच्छा लग रहा है तो डिमांड करूंगा नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कोई बात नहीं बेटा क्या कर सकते है कि नहीं तो मजा आया यस वेरी गुड एंड दैट्स दैट्स द स्पिरिट बेटा यही यही देखना है तो अब बताओ सारे निमोनिक्स हो गए आज का आपका काम क्या है जो लोग आज देख रहे हैं उनका काम क्या है इन सारे निमोनिक्स को एक बार पीडीएफ मिल जाएगा आपको इन सब को एक बार बेटा हाँ बिल्कुल पूरा एक बार करा सकता हूं अगर सुनना चाहो तो मैं बता देता हूं ग्रुप वन चलो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं तैयार है तैयार है एक बार पूरा बोल देता हूं फटाफट एक बार सुन लो ग्रुप वन क्या था बेटा ग्रुप वन हे लीना की रूबी सर्कस से फरार आपके लिए सिर्फ एक बार पूरा जल्दी से जस्ट इन टू मिनट्स ग्रुप वन हेलीना की रूबी सर्कस से फरार ग्रुप टू बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बोलो हाँ कि ना थर्टीन की बात करूं तो क्या कह सकते हैं थर्टीन की बात करूं तो जल्दी बताओ फटाफट क्या कह सकते हैं जल्दी 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 ग्रुप थर्टीन की बात करूं तो कैसी गीत थर्टीन बैंगन आलू गाजर इन थाली ग्रुप फोर्टीन की अगर बात करूं तो क्या होगा कैसी गीत सुनाऊ प्यारे बालम ग्रुप फिफ्टीन की अगर बात करूं तो नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े ग्रुप फिफ्टीन की बात करूं तो वही नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े ग्रुप सिक्सटीन उससे टेपो ग्रुप सेवनटीन फिर कल बाहर आई आंटी और ग्रुप एटीन ने फिर या फिर बैंगन आलू गाजर इन थाली आओ ग्रुप थ्री पे स्कैंडियम वाला है देखो ऐसे याद कर लो स्कैंडियम टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेडियम क्रोमियम मैंगनीज फे को नी जन तो स्कैंडियम वाला क्या हो गया सेकेंड टी जरा टीज अने वो नवाब था सब लोग ध्यान से सुनो आपके लिए रिवाइज करा रहा हूं बेटा वो नवाब था वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम करोड़ मोल वाला यस मैंगनीज मन तक रे ठीक है मन तक रे उसके बाद मैंगे आयरन फिर रूठा ओसामा आयरन फिर कोबाल्ट कौन रहेगा इेगुलर एनआई नहीं पढ़ोगे पिटोगे है ना फे को नीकू क्यों आगे आऊं क्यों आगे आऊं है ना सीयू वाला हो गया उसके बाद क्या जिंक जिनी कैनेडा होगी जिनी कैनेडा होगी डी ब्लॉक भी हो गया एफ ब्लॉक आइए एफ ब्लॉक ग्रुप पीरियड सिक्स वाला क्या करेंगे लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी इधर तमाशा अब लंबा होगा और उसके बाद ग्रुप पीरियड सेवन वाला पीरियड तुम में पढ़ाऊ न्यूज पुराना आम कम बिके कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा और लास्ट बेटा जो न्यूली डिस्कवर्ड वाला पार्ट है जो रदर से लेकर ऑर्गेनिशियम तक वाला पार्ट है वो क्या है रब दी सौगंध बहन हस मत दस रोग कहीं नहीं फैलेगा क्यों नहीं फैलेगा क्योंकि माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक क्लियर है बेटा बोलो यस नो तो आया मजा फिर ये आया मजा आया मजा आया मजा तो चलिए थैंक यू यहां पे आपको इसको समझा दिया मैंने अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो लोग अभी इस बार नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन देने वाले हैं उनके लिए एक क्रैश कोर्स है बहुत वेदांतों के बेस्ट टीचर्स आपको ये क्रैश कोर्स करा रहे हैं टेन थाउजेंड का कोर्स है आप इसको सेवन थाउजेंड में ही ले सकते हो अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे यू पी सी सी ट्वेंटी वन अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो ये सेवन थाउजेंड में आपको मिल जाएगा इसको खरीदने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप इस लिंक पर जाओ और इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो अगर आप इस बार ट्वेंटी ट्वेंटी वन में नीट देने जा रहे हो क्या है इसमें रेगुलर क्लासरूम रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा आपको डाउट के लिए हमेशा आपके पास टीचर अवेलेबल होगा हाँ उसका टाइम है देखो आठ एम से इलेवन पी तक और आपको टेस्ट देकर के आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं तो रेगुलर टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यस और नो अब बैच डिटेल्स बता दूं तो अब देखो 22 मार्च और 5 अप्रैल तो समय निकल गया है अब आपके पास बेटा 12 अप्रैल का समय बचा हुआ है ट्वेल्थ अप्रैल वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक बात है मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर इस क्रैश कोर्स को आप खरीदना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कोड क्या लगाना है कोड बेटा ये यूपी जो लिखा हुआ है ना ये बच्चे बड़ा प्यार से मेरे को बुलाते थे यूपी सर तो बुलाते हैं अभी भी आप भी बुला सकते हो बेटा क्या यूपी सर यूपी सर है ना तो यूपीसीसी ट्वेंटी वन कोड है आप इसको इस्तेमाल करोगे तो सेवन थाउजेंड में आपको ये प्राप्त हो जाएगा बोलो यस और नो क्लियर है तो मजा आया आज मजा आ गया बहुत बढ़िया आज मजा आ गया ना एकदम झकास तो ऐसे ही बेटा हमारी क्लासेस साढ़े बजे से चला करेंगी अपन यहाँ मजा करेंगे और मजे के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे यस तो ये सब यूपी सर समझ गया ना यूपी सर हैं क्या है यूपी सर तो अब जो पूछे बेटा कौन है तो क्या बताना है यूपी सर हैं क्या है बेटा यूपी सर यस और नो मजा आएगा तो बस जुड़े रहे अब आज निमोनिक्स में अगर मजा आया तो इसको अपने दोस्तों को बताएं बताओ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मैंने वो मेहनत करी है लास्ट वाला तो कम से कम बोल सकता हूं ना कि मैंने की है तो उसके बारे में बताएं दोस्तों को और मजे करें पढ़ते रहें फिर अपन मिलेंगे साढ़े नौ बजे ठीक बात है चलो यस यूपी सर आर्मी कर सकते चलो ओके बाय 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 एवरी वन थैंक यू सो मच बच्चों बड़ा मजा आया मिलकर के फिर मिलते हैं जल्दी मिलते हैं और सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं ओके बाय